फिजा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कि 14 बच्चे थे। 14 ही क्यों? 13 या 15 क्यों नहीं? वजह क्या है इसकी? पता नहीं। खैर इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो तुम? हम इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि जी हमारे बच्चे जल्दी मर जाते हैं। मीठा मीठा हप 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 कड़वा कड़वा थू 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 थू। That is the only and the only way for our survival. अब देखें ये आवाम क्या कह रही है। आवाम नहीं है ये, हुजूम है, भेड़ बकरियां हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब जरा मैं आपको दिखाती हूँ हम बतौर कौम और क्या करते हैं। ये देखें जरा, चलाइए जरा दूसरी वीडियो। जहन्नमी 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 जहन्नमी। मैं बात करूंगी भारत के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से। बकवास बंद। अपनी बात करो, अपने मुल्क की बात करो। ठीक है, ओके। ठीक है जी। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, और तेजी से बढ़ती हुई आबादी कहीं ज्यादा तेजी से मुल्की वसाइल को हड़प करती जा रही है। अरे राम, अरे राम, अरे राम। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से कुदरती और मादनी वसाइल कम हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी। फिजा पानी का क्या करोगी यार? साफ पानी मिलेगा पीने के लिए। पानी कौन पीता है? सेव वाटर ड्रिंक बियर। पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो 2050 क्या क्या बोलो 50 तक दुनिया में बढ़ने वाली कुल आबादी में 50% हिस्सा डालेगा। अल्लाह तौबा। फिजा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कि 14 बच्चे थे। 14 ही क्यों? 13 या 15 क्यों नहीं? वजह क्या है इसकी? पता नहीं। खैर इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो तुम? हम इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि जी हमारे बच्चे जल्दी मर जाते हैं। आखिर क्यों? कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन एक अलग मसला है। हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं है कि जहाँ पर बच्चों का इलाज हो सके। बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो दुनिया से चले जाते हैं। देख रहा है बिनो। तो कैसे हो किटकैट? अरे यार अपनी माँ मत। आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक जाहिलों का तबेला है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि पाकिस्तान एक दरिंदा है। और मैं समझती हूँ कि दरिंदा तो छोटा लफ्ज है, ऐसा लफ्ज जो कि मैं बोलूँ यहाँ पे शायद ऐसा लफ्ज डिक्शनरी में है, क्योंकि दरिंदा भी इनसे बेहतर होता होगा। शाबाश। या मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर ये तैयार है वीडियो जरा चलाइएगा। एक वीडियो है हमारे पास, ये जरा देखिएगा। ये एक मुहज्जब कौम की वीडियो है, जरा गौर कीजिए। मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ, खुद देखिए हो क्या रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये पानी की बोतलें गिरी हैं रोड पर और लोग गाड़ियां खड़ी करके रुक गए हैं। मतलब एक गाड़ी से पानी की बोतलें गिरी हैं और उस शख्स की मदद के लिए बाकी तमाम लोग जो गाड़ियां चला रहे थे उन्होंने उनकी मदद के लिए अपनी अपनी गाड़ी रोकी और वो आगे आए उसकी मदद की। ये क्या साबित कर रहा है कि ये मुहज्जब कौम, मुहज्जब कौमों की निशानी है। अरे फिजा वो जिस मुल्क की भी वीडियो है तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोगों में गैरत है ही नहीं, तुम इंसान ही नहीं हो यार। मुझे तो पता नहीं कभी कभी क्या लगते हैं यार, जानवरों में भी सेंस होता है लेकिन इनमें नहीं है। हमारे यहाँ जो वाकया पतंगबाजी से जो एक शख्स की जान चली गई, आसिफ नाम था उसका, जिस तरीके से वो नौजवान से गला कटा और सबके सामने देखते ही देखते जान से चला गया। तो मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में दिखाया कि इफ्तारी का वक्त करीब था, वो इफ्तारी का सामान लेकर ही घर को जा रहा था और कातिल डोर की वजह से वो जान की बाजी हार गया। आपने देखा कोई रुकने की जहमत कर रहा था? खून में लथपथ था आसिफ, नीचे गिरा हुआ था, लेकिन लोग गाड़ियां दौड़ाए चले जा रहे हैं। ये सिर्फ पानी की बोतलें उठाने के लिए खड़े हो गए, हम खून में लथपथ बंदे को उठाने के लिए नहीं खड़े हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान वो वाहियात मुल्क है जहां पर महिलाएं ना घर में सुरक्षित है और ना ही घर के बाहर। पाकिस्तान में दरिंदों के झुंड ने सरेआम दिन दहाड़े बीच बाजार लड़कियों को नंगा कर दिया, कपड़े फाड़ दिया, और ये चलन कोई नया नहीं है। और हैरत की बात यह है कि उन दरिंदों के झुंड में एक भी मर्द का बच्चा नहीं था, एक का भी ईमान नहीं जागा। वैसे इनमें ईमानी जज्बा बहुत है लेकिन ऐसी जगह पर इनका ईमान नहीं जागता। जंगली दरिंदों को भी पीछे छोड़े, दरिंदे भी कहते होंगे कि हम बेहतर है। क्या
ये रवैया महजिब कौमों में कभी देखा है? क्या ऐसे करती है महजिब कौमें? इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम है, शर्म से डूब मरना चाहिए। कितने दरिंदे हैं ना ये, और फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। रोड के ऊपर दोनों लड़कियों को नंगा करके खड़ा कर दिया। मैं वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, आप एक्स पर जाकर देख सकते हो। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है ना, जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी। यहाँ पर जाहिल है, और जाहिलों को बनाता कौन है? मैं, डॉक्टर फिजा खान, इन जैसे एंकर। भारत में अगर रेप केस होता है तो ये फिजा खलीफा टीवी चैनल पर बैठकर बोलती है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अब मोदी के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी हैं। अबे जाहिलों की मुखिया, क्राइम अलग होता है और पॉलिटिक्स अलग। तुम्हारे यहाँ पर ये जो हुआ है, जो कांड हुआ है, उसका मलबा सहबाज शरीफ पर डालोगे वो सही होगा? सब चीजें हमने बदलनी है। अगर नहीं बदलना तो अपने आप को नहीं बदलना, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। हमने खुद को नहीं बदलना। इन्होंने ही अपनी आवाम को भेड़ बकरी बनाया है, गंद भर भर के, चूर्ण भर भर के, पता नहीं क्या क्या भर दिया। दिन भर भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ धुआंदार नारेबाजी करते रहे। मोदी जी को दिन रात कोसने की जगह थोड़ा अपनी आवाम को भी कोस लेते ना, तो आज ये जितने भी कांड हो रहे ना, शायद कम हो जाते। कहते हैं कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। हाँ भाई हाँ। अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां घर में कितनी सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बाप कितना चिल मोड पर है यार, आराम से है ना फोन चला रहा है, और साइड में इसका बेटा इसकी ही बेटी का मर्डर कर रहा है, गला घोट रहा है, और बाप देखो कैसे चिल। और जैसे ही बेटा मर्डर कर लेता है, बाप उसको सर्व करता है पानी की बोतल। भाई साहब बहुत बड़ी जंग जीती होगी इसके बेटे ने। खैर मर्डर की वजह बता दूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? इस बाप ने और जो मर्डर कर रहा है उस बेटे ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। और जब उस लड़की ने बता दिया अपने रिश्तेदारों को, तो मार डाला। मारिया ने मुझे बताया, मेरा भाई भी, मेरा बाप भी मेरे साथ जास्ती कराई, ये बड़े भाई को बताओ तुम उसकी बीवी हो। अजीब लोग है ना ये। उसके साथ बहुत जुल्म किया था इन लोगों ने। अब बस सोचने वाली बात यही है कि पाकिस्तानी लड़कियां जाए तो जाए का, बाहर दरिंदों का झुंड और घर में बाप और भाई भेड़िए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि पाकिस्तान में ईमानी जज्बा बहुत पाया जाता है बोल बच्चन के लिए। अब जरा मैं आपको दिखाती हूँ हम बतौर कौम और क्या करते हैं, ये देखें जरा। चलाइए जरा दूसरी वीडियो। जो कर सकते हैं करें। ये जो हो रहा है वहाँ पे, भेड़िए हैं, नजर नहीं आ रहा, सब अंधे हो गए, वो करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक मनाजिर हैं। ये वीडियोस देखते हैं आप लोग। अभी जो वीडियो देखा, इसमें ये बच्चा 10 साल का, कुछ मजबूरी रही होगी ना, तभी तो ये केले बेच रहा है। और ये जो जज्बा ईमानी की बात करने वाले पाकिस्तानी भेड़ बकरियां, ये अभी अभी मस्जिद से आए हैं नमाज पढ़कर, और उसके तुरंत बाद क्या कर रहे हैं, छीना झपटी, केले चोरी कर रहे हैं बच्चे के। ये है ईमान, ये है ईमानदारी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर ये चाहते हैं कि इनका मुल्क तरक्की करे। अब जरा मैं आपको दिखाती हूँ हम बतौर कौम और क्या करते हैं, ये देखें जरा। चलाइए जरा दूसरी वीडियो। एक बच्चा है, तो ना की वीडियो अगर आप महसूस करें, ये बच्चा है और ये पिशावर में गुब्बारे बेचकर अपना अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। या आप कह लें कि घर का वो छोटा है जो हमारे लिए छोटा है, लेकिन अपने घर का बड़ा है, गुब्बारे बेच रहा है। अब देखें ये आवाम क्या कर रही है। आवाम नहीं है, ये हुजूम है, भेड़ बकरियां हैं जो इस बच्चे के गुब्बारे शुगल में फाड़ने में लगे हैं। अभी जितने लोग ये सामने जो फाड़ रहे हैं इन गुब्बारों को, अगर इनमें से कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो शर्म आ रही है, एहसास हो रहा है कि क्या शुगल था ये तुम लोगों का, कि दोबारा आपने इस बच्चे को गुब्बारे लेके दिए, खरीद के दिए। और जो भी मेरा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं इस जगह पे, इस हुजूम में जो खड़ा के तमाशबीन बना हुआ है इस मासूम बच्चे का,
जो अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए गुब्बारे लेके खड़ा हुआ है उसको शर्म आनी चाहिए। ख्वाहिशा तुम्हारी बड़ी मिसाली जी उम्दा है कि हमें बड़े मिसाली हुक्मरान चाहिए और अपने गिरेबानों में झांक कर हम देखें क्या हम वाकई इस काबिल हैं अच्छे हों। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे शराफिया बदले, निजाम बदले, मुल्क बदले, हालात बदले, किस्मत बदले, तकदीर बदले, तो सबसे पहले आपको खुद बदलना होगा। खुद को बदलो, खुद को बदलो, फिर बदलेगा पाकिस्तान। इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ, दुनिया ने देखा। मैं पाकिस्तान को दुनिया का सबसे असुरक्षित मुल्क मानती हूँ और मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द है ना FATF में डाल देना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में। आखिर क्यों? क्योंकि यह इंसान नहीं रहते, खुखार भेड़िए जानवर और सितम बालाए सितम ये नरभक्षी रहते हैं। और हाँ, कुछ शांति दूत बोलते हैं कि भाई साहब पाकिस्तानी आवाम का क्या कसूर, ये आवाम इनके सबसे गई गुजरी है तभी इनका बेड़ा गर्क है। सुनते जाइए बस, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकते यार इन दरिंदों के बारे में। तो आज का वीडियो बस इतना, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।